ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इट वॉज स्टार्टेड बाय माननीय एकनाथ जी राणा दे जो उन्होंने उस टाइम पे स्टार्ट किया था जहाँ पे अभी 50 इयर्स कंप्लीट हुआ है ऑर्गेनाइजेशन का विवेकानंद केंद्र रॉक मेमोरियल और जो विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी उसी समय एक एक पैसा जोड़ के उन्होंने ये जो अपने सब एक एक रुपए सबको ऐसा रिक्वेस्ट किया गया था उस टाइम में कि एक एक रुपए देंगे 1 रुपी ईच तो फिर वो ऐसे वो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ था तो ऑर्गेनाइजेशन का जो ब्रांचेस है योगा मैनेजमेंट ऐसे वैदिक विजन फाउंडेशन ऐसे ऐसे करके बहुत कुछ है हेल्थ में है एजुकेशन में है उसी तरह उन्होंने सोचा कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो कम्युनिटीज़ है कम्युनिटीज़ के ऊपर जो उनके जो ट्रेडिशंस है जो कस्टम्स है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो जितने भी जनजाति हैं जितने भी कम्युनिटीज़ हैं उनको डॉक्यूमेंट करने के लिए वो एक इंस्टीट्यूशन एक जो इंस्टीट्यूट है वो ऐसे एस्टेब्लिश करना चाहिए उसी सिलसिले में 1993 में ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुआ इन गुवाहाटी उजान बाजार okay. तो 1996 से ऐसा स्टार्ट हुआ है हाल ही में हम लोगों ने 25 इयर्स कंप्लीशन का एक प्रोग्राम किया था तो हम लोगों का जो मेन इंटेंशन है कि जो जनजाति कल्चर है जो जैसे ऐसे बता रहे थे कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं है या फिर लिखने में कमज़ोर नहीं है इट्स बेटर टू राइट लेट एंड करेक्ट पहले लिख के क्योंकि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो स्ट्रेंथ है जो ताकत है वही है डाइवर्सिटी डिफरेंस नहीं है हम लोगों को ये शब्द अभी यूज़ करना चाहिए कि सब बोलते हैं बाहर के लोग जैसे आउट ऑफ इंडिया के लोग जैसे बोलते हैं ना कि इंडिया में बहुत सारा डिवीजन नहीं बोलते उसको डाइवर्सिटी बोलते हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उनका कल्चर थोड़ा ऐसे अलग होगा हम थोड़ा अलग होगा तो जब मिलते हैं वो जो उसको हम सेलिब्रेट करते हैं ये हमारा ताकत है ये हम लोगों को बहुत सुंदर बनाता है तो इसको हम लोग जो डॉक्यूमेंट करना इतना आसान नहीं है उसको ओरल ट्रेडिशन में पूरा रिटन बहुत ही रिसेंट है ये सिर्फ तागिन की बात नहीं है या फिर कोई अलग जनजाति की बात नहीं है पूरा दुनिया का डॉक्यूमेंटेशन ही बाद में स्टार्ट हुआ है पहले सब ओरल ही चलता था तो जितना डाइवर्स होगा उतना डॉक्यूमेंटेशन होने में मुश्किल होगा ये तो बात है तो उसी इंटेंशन से विवेकानंद केंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर जो